ये पलटा इस बिस्किट को मैं खाऊंगा नाश्ते में। कर हम तक पहुंचने वाले हैं। आप पहुंच गए। देख कर परछाइयों वाली कठपुतली। मैंने अभी तक अपना नाश्ता भी नहीं किया है। भागो! परछाई वाली कठपुतली बच गया भाई, वरना आज तो तेरा हो गया था मरण दिवस। मैं तो बस क्या है ये? मैं नहीं छोड़ूंगा। नींद हराम कर दी बिल्ले ने, चैन से मैं रात को सो भी नहीं सकता। ये क्या है? आग का अंदेशा मिल रहा है दूर से। कहीं आग लगी है बहुत दूर। कप्तान उठ जाओ, आंखें खोलो, हमला करो। जहाज पर चढ़ जाओ और कोई भी बचना नहीं चाहिए, समझे? क्या? अच्छा बिरजू तुम हो क्या, बोलो। उठाने के लिए माफ करना कप्तान, पर छोटे टापू की तरफ से आग की रोशनी दिख रही है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। जरा मुझे देखने दो। देख के लगता है किसी घर में आग लग गई है। ये क्या है? जल्दी से वहां पर पहुंचो, उन दरिंदों को मारकर भगाना है। ठीक है कप्तान। और वहां जो भी जिंदा बचे उसे यहां लेकर आ जाना, और बिरजू ध्यान रखना कि वहां पे कोई बेशकीमती चीज पीछे ना छूट जाए। जरूर कप्तान। इंसान, तुम्हारा नाम क्या है चपूते? टप्पू। मेरा नाम टप्पू। लगता है वो जंगली दरिंदे तुम्हें बस अपना निवाला बनाने ही वाले थे। किस्मत अच्छी थी जो हमने तुम्हें बचा लिया है। नहीं, वो सब मेरे। अरे रुक, जरा अंदर तो देखने दे। ससुर के पास एक भी सोने का दांत नहीं है। बेचारा समुद्री डाकू। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी टप्पू, यही नाम बताया ना तुमने। मैं आपका एहसान मंद हूँ कैप्टन। अरे ना, ये काम तो मेरी बाज की नजर वाले पहरेदार का है जिसने तुम्हारी जान बचाई। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। बोलने वाला तोता, सर में दर्द कर देता है ये। इसे सिखाओ कि ये सिर्फ तुम्हारा सर का है, हमारा नहीं। ठीक है कैप्टन। लो पियो, इसे पीते ही तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। अब मुझे जरा उस टापू के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, कीमती चीज है क्या कोई? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा जहाज उस जगह पर फंस गया था। खुद को जिंदा रखा हुआ है वक्त के भरोसे और कुछ जिंदा रहने की काबिलियत के साथ। इसके लिए माफ करना। देख के लग रहा है कि इस तोते ने तुम्हें पीना भी सिखा दिया। ये ठीक तो नहीं है दिलेर, पर क्या करूं, तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। खुद को जिंदा रखा हुआ है, सच में? सुनो, तुम दोनों टप्पू की कहानी का सच सुनना चाहते हो? ओ, बिल्कुल, जरूर सुनना चाहते हैं। कम से कम ये तो सुनना ही चाहता है। बस करो, सुन लो मिंकू। वो एक बिल्कुल आम दिन था टप्पू के मेरे टापू पर आने से पहले। जन्नत के किसी आम दिन की तरह हर दिन एक जैसा था। खूबसूरत फिरोजी पानी, नीला आसमान और बहुत सारे मजेदार फल।
हाँ मैं अभी आता हूँ। कैसी हो रोजी? देखो तो जरा कितने मजेदार फल लेकर आया हूँ। शानदार, बहुत शानदार। जरा उन मजेदार कीड़ों को तो देखो। सही कहा, इनका कोई जवाब नहीं। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम गुदगुदेदार। सुनो, यहाँ से कहाँ गया वो? मजा आ गया खाके। तुम चोर हो। चटोरे, ये अच्छा नहीं किया तुमने। आज होने वाले बड़े जश्न में तुम नहीं आ रहे हो? हम सब आ चुके हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हर दिन ये बड़ी पार्टी होनी जरूरी है क्या? तो आज क्या लेकर आए हो तुम? मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। मेरा मतलब जश्न में लाने वाले खाने से है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लाया? वाह, कितना खूबसूरत है। सुनो दोस्तों, शायद इस बार मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है। जरा देखो तो सही। चाचा जान, तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। यहाँ पर है। खुशबू अच्छी है। नहीं चाचा जान, नहीं, खाने की चीज नहीं है। ये सबूत है कि हमारे आइलैंड के अलावा भी कोई और दुनिया है। ये फिर शुरू हो गया। सच कह रहा हूँ। क्या हम दो पैसे ऐसे खाना नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। बस मुझे ये बता दो कि ये चीज आई कहाँ से होगी? पानी में से। चटोरे की बात सही है। मैं भी चटोरे के साथ हूँ। मैं भी चटोरे के साथ हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज है जो जो क्या? मैं बताऊँ ये क्या है मिठू? ये वही चीज है जो तुम इसे मानना चाहते हो। सही कहा। तुम बेकार के सपने देखते रहते हो। तुम भूल गए कैसे समंदर को पार करके दूसरी दुनिया की तलाश में उड़ते उड़ते तुम थक कर मरने ही वाले थे। मेरे प्यारे मिठू, सपने से बाहर आओ और इस पपीते की खुशबू लो, क्योंकि यही तुम्हारी दुनिया है। मैं तुम लोगों की बात सही नहीं मानता। यहाँ से अलग भी एक और बड़ी दुनिया है और मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। देखो भैया, इसको नक्शा बनाने वाले को इसकी तो तबीयत जरा बिगड़ गई है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दोपहर का खाना मिल बांट के खा लेंगे। माफ करना, मैं कोई पक्का जहाजी नहीं हूँ। शक्ल से ही लग रहा है। अगर तबीयत ठीक करनी है तो हवा जहाँ बह रही उधर ही चलना होगा। ये बेचारा पेट। थोड़ी देर और रुक जाओ, हम एक अनजान टापू पर पहुंचने वाले हैं, जहां तुम्हारा सामना होगा एक आदमखोर से। आदमखोर? समंदर में जाने का फैसला हमारा था, है ना मेरे दोस्त? और कसम से मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। सुनो, जाओ हमारे लिए कुछ खाने को लाओ। ठीक है जानेमन, हम तुम्हें खुश कर देंगे। तुम में से कौन हमारे साथ चलकर चाय नाश्ता करना चाहेगा? हाँ, चलो चिकी चिकी, आ भी जाओ, इतना शर्माने की का जरूरत है? हाँ? यह ऊपर तुम्हारा क्या काम है बच्चे? हम तो बस ये देख रहे थे कि हमारा मुर्गा गोश्त मतलब दोस्त ताजे तो है ना, मतलब गरम, मतलब गरम और नरम। काहे परेशान कर रहे हो, क्यों थका रहे हो? बताओ कहाँ थे हम? दूर हटो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं नीचे है। और हाँ, मेरी मुर्गियों से दूर रहना। और ये बात तुम्हारे लिए भी है। ये नौसिखिया जहाजी खुद को समझता क्या है? इंसान जिसने हमें यहाँ बंद कर दिया है। ये हमारा जहाज है, टूटा फूटा जैसा भी है। हमारी बात याद रखना,
तुम भी देखना एक दिन उस कुत्ते और इस इंसान को कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हूँ माया, कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे हम कितने पैसे लेने वाले हैं? अंडों को छेड़ने वालों को तो सबक सिखाना ही था, है ना मेरे दोस्त? अंडे? ओ नहीं, फिर से उल्टी। ख्याल रख लड़के, लगता है बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। इसने तो हमारा खाना खराब कर दिया। ओ, ओ, किसी को नहीं पता था तूफान आने वाला है। कस कर पकड़ना चटोरे। अच्छा यही रहेगा कि हम चलकर गुफा में खाना खाएं। चलो चलते हैं, बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सुनो मिठू, अनानास उठा दे लाना। कैसे, इसके बिना तो काम अधूरा रह जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनो, सब छत पर आ जाओ और रस्सियों को कस के पकड़ लो। चलो जल्दी करो, नीचे बैठ जाओ लड़के, नहीं तो इस तूफान में उड़ जाओगे। टाइगर, पकड़ लिया। बचाओ, बच गए। अनानास आ रहा है। माफ करना चंगू, बच गए चाचा जान। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़। चाचा जान जल्दी रोजी पैर को पकड़ो। डरो मत चाचा जान, हिलना मत। पकड़ लिया मैंने। जल्दी करो बूढ़े बकरे, इधर चलना शुरू करो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छे, आराम से, डरो मत, एक एक कदम बढ़ाओ। चाचा जान, वो नहीं बच पाएगा, कुछ करो। चटोरे पकड़ो उसे। पकड़ लिया। बचाओ! बचाओ! कोई है यहाँ? बचाओ! कोई है यहाँ? नहीं, दूर हटो मुझसे। अब हमारी बारी बदले की। मैं और पकड़े नहीं रह सकता चट्टोरे। ज्यादा समय नहीं है, वो लोग गिरने वाले हैं। थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। चंगू, क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल है मेरे दोस्तों? कोशिश अच्छी थी चंगू, पर कोई फायदा नहीं, मैं नहीं बचूंगा। मिट्टू, ऐसी लगती रहना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बस 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 बस, मैं तुम लोगों को ऊपर खींच लूंगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे नहीं, संभालो। मिट्टू, चला था बचाने, खुद ही लटक गया। तुम
लोग डरना मत, ये पेड़ मुझे काफी मजबूत लग रहा है। सही कहा, पर हम नीचे कैसे उतरेंगे? ये तेरी वजह से हुआ। किसी को अनानास चाहिए क्या? तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? ये कैसी आवाज है मिट्ठू? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं, बदकिस्मती से हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। वही पुरानी चीजें, सीपियां और सिर्फ सीपियां, कोई छोटी और कोई बड़ी। स्वाद तो बिल्कुल अलग है, अच्छा है, थोड़ा नमक भी है इसमें। ये तो काफी लजीज लग रहा है। टेटाजान, क्या मिला तुम्हें? क्या चीज खा रहे हो? वो तो पता नहीं, पर लग लजीज रहा है। आओ चाचाजान, तुम जानते हो ना मैं इस तरह की चीजें इकट्ठी करता हूँ। मेरी नाक कह रही है कि उधर पहाड़ी के पीछे और भी लजीज चीजें हैं। जरा देखो उसे। वाह, कीड़े स्वादिष्ट हैं। देखा, मैं सही था। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि यहाँ से बाहर भी एक और दुनिया है। नहीं, अपने पीछे देखो। ओफो, क्या है मेरे पीछे? जरा देखो तो। आओ, मुझे यकीन नहीं होता। ये वही है जिसकी आवाज हमने कल रात को सुनी। क्या लगता है ये क्या चीज है? यही दूसरी दुनिया है। मैं जरा पास से जाकर देखता हूँ। मिट्ठू मत जाओ, हमें नहीं पता वो क्या चीज है। इसमें खतरा हो सकता है मिट्ठू। शानदार चीज है, मैं सही था। मैं जानता था, पता था मुझे ये दूसरी दुनिया से आया है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। शानदार। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। सही कहा चंगू, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। क्या हो रहा है? आराम से, तुम जो कोई भी हो आराम से बात करते हैं। समुद्री दाना। वाह, ये देखो, जहाज पूरी तरह से टूट चुका है। सुनो, यहाँ पर कोई है क्या? कोई है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सिर्फ देखो उसे। बिच्छू, कोई है? इसने तो भेष बदला है। कहाँ चले गए सब लोग? यकीन नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है यहाँ बस हम दोनों ही है। चलो किनारे पर चलते हैं। संभल कर टाइगर,
लहरें बहुत तेज है। जमीन, हम जमीन पर हैं। खुशी है कि हम जिंदा बच गए टाइगर। भागो भूत आया, समुद्री दानव इधर ही आ रहे हैं। हम बड़ी मुसीबत में हैं। सिर्फ एक ही चीज के दो पैर होते हैं, परिंदे के, और ऐसा परिंदा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, ये तो उड़ भी नहीं सकता। ये दानव चटोरे को खा जाएगा। क्या है वहाँ पर टाइगर? हमें कुछ करना होगा, जल्दी जल्दी करो। जितना शोर कर सकते हो उतना शोर मचाओ। हमें इन समुद्री दानवों को डराकर भगाना होगा। वापस आ जाओ टाइगर, हमें एक दूसरे के पास रहना चाहिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या मुसीबत है। ये क्या था? टाइगर, टाइगर, ये शोर कैसा है? आदमखोर, टाइगर आदमखोर, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। जहाजी ने हमें बताया था ये हमें पकड़ कर जिंदा खा जाएंगे। जल्दी करो मेरे दोस्त, इसमें बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? समुद्री दानवों को भगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये समुद्री दानव ना हुए तो? तुमने उस जबरे बाल वाले की दांत देखे? हमें कच्चा चबा जाएगा। सब लोग शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। सच में हमें कुछ भी नहीं पता कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक काम का तो पता है, जो ये कर रहे हैं टापू छोड़ कर जा रहे हैं। ओ नहीं, ये गलत है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सच में जा रहे हैं। कमाल हो गया, हमने उन्हें भगा दिया। हाँ, हमने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। तुम लोगों ने मेरे इस टापू से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया देखने के सपने पर पानी फेर दिया। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें लगता है यही जन्नत है, तुम गलत सोचते हो। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। वो वापस आ गया। ओ नहीं, मुसीबत वापस आ गई। वापस? मजाक कर रहे हो? मुझे देखने दो। हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लो। उनकी नजरों से दूर रहेंगे और उन पर नजर रखेंगे, देखेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, और कोई किनारे पर नहीं जाएगा, खास तौर पर तुम चाचा जान। मैंने सुन लिया, अपना नाश्ता भी नहीं किया मैंने तो। यहाँ नई तरह की खुशबू मुझे पागल कर रही है। मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम चाचा जान? वापस आ जाओ, वहाँ जाने में खतरा है। मैं उन लजीज चीजों को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे अच्छे से याद है तो मिठू ने कहा था कि नजर से दूर रहना है। कहा था? जिसकी बात कर रहे हो वो मिठू है कहाँ? आज के लिए माफ कर दो मेरे दोस्त, हमारी वो कोशिश बड़ी नाकाम रही। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि हम कहां आकर फंस गए हैं, किस जगह पर हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। कोई ना कोई जरूर आकर हमें बचा लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर वो आदमखोर वापस आ गए तो हमें उनका सामना करना होगा। कौन है वहां पर? सामने आ जाओ, मेरा टाइगर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। और मेरे पास बंदूक भी है। बकरी? ये तो एक बकरी है। और एक परिंदा भी, शायद यहाँ पर कोई भी आदमखोर नहीं है। मिठू, तुम
वहाँ अकेले क्या कर रहे थे? तुमने कहा था छुप कर रहना है। मैं तो बस देखने गया था क्या हो रहा है। वैसे तुम लोगों की क्या बातें चल रही? बात ये है, इसने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने सुझाव दिया है कि ये भी तो हो सकता है जो अजीब चीज तुम्हें मिली है वो उसी समुद्री दानव से खो गई हो, और हो सकता है वो उसे वापस लेने आया हो। और हम लोगों को भी। दो में से एक बात तो बिल्कुल पक्की है, या तो ये कोई इत्तेफाक है या कोई बुरी चाल है। दोनों ही बातों में तुम्हें उसे छुटकारा पाना होगा। क्यों ना उसे समुद्री दानव को वापस कर दे। तरकीब अच्छी है। बिल्कुल नहीं। देखो 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 देखो, मजाक कर रहे हो? तुम बहुत मतलबी हो। मतलबी? ठीक है, शायद थोड़ा वक्त दो मुझे सोचने के लिए, पर अगर मैं इसे वापस करूंगा तो तुम सब मेरे साथ चलोगे। फिर ठीक है टाइगर, चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जो कुछ भी बचा सकते बचा लेते हैं इससे पहले कि पानी उसे बहा ले जाए। क्या चल रहा है दोस्तों? वो हमारे बीच पर कब्जा कर रहे हैं, समुन्दर से कुछ अजीब सी चीजें निकाल रहे हैं। मतलब इन लोगों का यहाँ से जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं है। लगता तो यही है। देख रहे हो ना कैसे वो चार टांगों वाला सारा दिन सोता रहता है, जबकि वो बड़ा वाला अकेले काम करता है। नहीं, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। शर्त लगा लो, जो सो रहा है वो जरूर मालिक है। देखो वो अपने खाल उतार रहा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी। उस वक्त हम में से कोई नहीं जानता था, पर हम सब असली दरिंदों की नजर में थे अपने टापू पर। किस्मत अच्छा है ना माया, वो बीमार इंसान और उसका वो बूढ़ा मरगिला साथी दोनों बच गए। हम उन दोनों से कैसे निपटेंगे, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अरे चिंता नहीं करो, दोनों से छुटकारा पाने का तरीका मिल जाएगा। अभी तुमको चुपचाप बैठना है, देखना और इंतजार करना है। ओ, बिल्कुल भी नहीं माया, हम भूख से मर रहा हूँ। अभी हम खा बोले तुमको है? बैठना है, देखना है, इंतजार करना है। आप समझे, अब ज्यादा होशियारी मत मारो। हम ऊंचाई पर हैं, कोई न जानत कि हम यहाँ हैं। इसका मतलब हम वक्त का इंतजार करेंगे और इनको खाएंगे एक एक करके। ये देखो टाइगर, ये चीज हमारे बहुत काम की है। खाना खाने से पहले इसे थोड़ा चलाकर देख ले, क्या कहते हो मेरे दोस्त? हम्मत वाले हैं चले लेकर अपना जहाज, मिल जाएगी मंजिल हंसते गाते मौज मनाते। तैयार? क्या कर रहा है? इसे पीछे खींचना है और तुम्हारा मुझे नहीं पता चाचा जान, पर मुझसे जितना हो सकेगा इन समुद्री दरिंदों से दूर रहूंगी। ये क्या मुसीबत है? मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, पर हमें ये पता करना होगा कि आखिर इन लोगों के इरादे क्या हैं। धमाके से तो लगता है इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। जरूर ये हम लोगों को मारने वाले हैं। शायद नहीं, हर अनजान लोग हमारी जन्नत में सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं लाए हैं, यही सच्चाई है दद्दू की कसम। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, उनकी नजरों से दूर रहो।
ये सबूत है कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है। मैं पता लगाऊंगा कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं है ना? बाल बच गया। ठीक है, एक और कोशिश करते हैं, एक आखिरी बार। तुमने मेरा निशाना देखा टाइगर? मैं सीख गया, बिल्कुल निशाने पर लगा। चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं मेरे दोस्त। ये तो जादू हो गया, कभी नहीं सोचा था मैं निशाना लगा पाऊंगा। थोड़ी भूख लग गई है। हैरानी हो रही थी कि शायद सब ठीक कहते थे, दूसरी दुनिया यहाँ आ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं। आज तो पेट भर के खाएंगे हम दोनों। तो मुंह काहे देख रहे हो, जाओ जाके पकड़ो। रुको, वही आदमी। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। चले जाओ शिव, जाओ। अब क्या हुआ? माफ करना दोस्त, मैंने पहले कभी किसी को मारा नहीं है। चलकर मछली पकड़ते हैं। कहाँ जल रहा है? बुड़बक, वो हम ही हैं। जले हुए बिस्कुट की बदबू आ रही है। कौन आ रहा है? लगता है रोजी यहाँ पर थी। अजीब बात है, रोजी ऐसे कभी खाना नहीं छोड़ती। ए जी, सफेद गोश्त खाओगे कि लाल गोश्त खाओगे? हमें पसंद है। कुत्ता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बदमाशो। रुक जाओ टाइगर, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही बदमाश है ये दोनों। दोनों बच ही गए। मार दिया रे। अरे भागो रे। ओ मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? वो आवाज सुनी तुमने? उस तरफ है। ओ देखो, ये तो एक परिंदा है, खूबसूरत तोता। समझ गए टाइगर, ये सब हंगामा इसी की वजह से हो रहा था। वो बदमाश इस बेचारे के पीछे पड़े थे। तुमने बहुत अच्छा किया, और तुम, हम तुम्हारी मरम पट्टी करेंगे। ये देखो टाइगर, एक अंगूठी। इसका मतलब साफ है कि जहाजी इस टापू पर पहले भी आ चुके हैं। मुझे अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है। सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यही वो जगह है जहाँ उस समुद्री दरिंदे ने मुझ पर हमला किया था, हमले जैसा कुछ। क्या ये? उसे अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। शायद वो मर चुका है। ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। पहले वो मेरे खुर से बचेंगे तो ना। जो भी है तुम देख लो, ये बिल्कुल सही नहीं है। मिठू नहीं मर सकता। ये क्या है? और तुम दोनों कौन हो? डूबे हुए जहाज के दो बेघर हैं। उस इंसान ने महीनों तक हमको जेल में रखा, बचा कुछ खाने को देता था और कुछ नहीं। हमारे दोस्त का किया? क्या आप तुम लोगों ने उसे कहीं देखा? हम तो बता भी ना सकत कि क्या हुआ उसका। बहुत ही बुरा वक्त था वो, पता है क्या शिकारी। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। देर मत करो, हमें भी बताओ किस बात का इंतजार है।
हम बता तो देंगे तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ, पर हम होशियार कर रहा हूँ, बात दुख की है। जाना तो इंसान परिंदे खाना बहुत ही पसंद करता है, हमको डर है तुम्हारा दोस्त कहीं वहाँ। बस थोड़ा वक्त और, ये बस अपनी जगह से हिल गया है, थोड़ा दर्द होगा तुम्हें पर फिकर मत करो, एक दो दिन में तुम ठीक हो जाओगे। हाँ तुम बिल्कुल उठ तो नहीं पाओगे अभी, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना है तो तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दू? मेरे हिसाब से लगता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है, तो मुझे लगता है तुम्हारा नाम रखना चाहिए दिलेर। दिलेर? नहीं नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, शुरुआत है। हमारे नए दोस्त का ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके उतना सामान उतारने की कोशिश करूंगा, क्या पता ये जहाज कब तक सलामत रहेगा। बोलो कुछ नहीं, बस दरिंदे हैं। हम कह रहे हैं भगा दो उनको हमारे टापू से, फेंक दो समंदर में उन दरिंदों को। हाँ। मैं तो कहता हूँ लोगों को जबरदस्ती भेजना चाहिए मनहूस टापू पर। हाँ, मनहूस टापू पर ही है का मनहूस टापू? इस दुनिया की आखिरी जगह, कोई भी आज तक वहाँ से वापस नहीं लौट पाया है। हाँ, वहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ कीड़े हैं। बहुत सारे गंदे कीड़े। बहुत ही बढ़िया बात है, भगा दो उनको मनहूस टापू पर। ये तरकीब कम नहीं आएगी। तुम्हारे पास कोई बढ़िया तरकीब है? नहीं। ठीक है तो हम आगे बात बढ़ाएं। पंख का फड़फड़ाना बंद करो, अपने पंख को थोड़ा सा आराम दो। मुझसे क्या चाहते हो तुम? बस बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम टाइगर है और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा नाम है दिलेर। तुम्हारा जो मन कहे मुझे कहो, सिवाय अपने खाने के। खाना? हम तुम्हें नहीं खाएंगे, हमने तुम्हें बचाया है। ना भी बचाते तो भी हम तुम्हें नहीं खाने वाले थे, बिल्कुल उस मोटे मजेदार तीतर की तरह जो हम अपने घर पर खाते थे। डरो मत, मेरे मालिक तुम्हें पसंद करते हैं। तुमने कहा तुम्हारे मालिक? तुम कुछ और ही सोच रहे थे क्या? ओ, मुझे अच्छा लगा, बहुत मजाक किया हो, तुम्हारे जैसा परिंदा मैंने इंग्लैंड में कभी नहीं देखा। इंग्लैंड? कुछ और भी बताओ टाइगर। हाँ बच्चे, इंग्लैंड मेरा टापू, समंदर की बहुत सी अच्छी जगहों में, वो भी एक शानदार जगह है। ठीक है, मालिक उन सब जगहों को देखना चाहते हैं, अगर हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाए। पता है, दूसरी दुनिया से यहाँ कोई पहली बार आया है। ओ अच्छा, ये तो अच्छी खबर नहीं है। जरा रुकना तो सही, हम ये भेस इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि काहे के तुमको डरावना दिखना है। अब सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास यही अच्छा मौका है, वो कुत्ता और परिंदा दोनों अभी तक जहाज में हैं। ठीक है, सुनो रे, अब ऐसे करो, हम दोनों जहाज वाले झबरे से निपटेंगे और बाकी के लोग किनारे पे जाके उस इंसान को धर दबोचना। ये जहाज क्या होता है? वो जो किनारे पर लकड़ी का चीज आया है। जैसे ही हम जहाज पर पहुँचे, अरे वो लकड़ी वाली चीज, तुम लोग वहाँ हमला कर देना। तो ठीक है, भयानक भयानक भयानक। तो क्या मैं एक भयानक नारियल हूँ? मुझे जाकर अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है उड़ने के लिए। देखो तो जरा, एक पत्थर से दो परिंदे मारेंगे हम। दो ही परिंदे कहाँ से आ गए? जब बुड़बक हमारे पीछे पीछे आओ। देखो
देखो वो पूंछ का पंख, उसने मिट्ठू के पंख को शान से सर पर लगाया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमला करो, सबक सिखाओ इसे। हमें जाना होगा, बाहर कुछ हो गया है, वहाँ से पागल हो रहे हैं। ऐसा लागत है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मौत का बदला लेने आए हैं। मैं तो जिंदा हूँ। ओह, तुम जिंदा हो या मरे हुए हो वो हम देख लेंगे। टाइगर बचाओ, तुम लोगों ने हार कर दी। टाइगर बचाओ। छोड़ेंगे नहीं तुमको। इसको संभाल लिया मैंने, तुम नीचे जाओ। छोड़ो मुझे। जरा रुको। दिलेर जरा रुको, क्या आवाज़ तो शायद मिट्ठू। टाइगर मिट्ठू बाहर आ जाओ। दिलवाली मिट्ठू मैं आ रहा हूँ दोस्त। बदमाश बिल्लियाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। टाइगर जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा मिट्ठू नहीं बचा। हम सबको लगा था, पर शायद इस बार वो नहीं बच पाया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आओ चलो दोस्तों, यहाँ से वापस चलते हैं। ओ नहीं टाइगर, ये मैंने क्या कर दिया? किनारा किनारा, हम बच गए माया। हमें तो लगा था कि हम नहीं बचेंगे। काहे बड़बड़ कर रहे हो बुढ़बा? ईश्वर कैसा है? कीड़े हैं शायद। मनहूस टापू। हमेशा खुश रहना दोस्त। माँ, दिलेर, माँ, ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे चिंता हो रही थी। मुझे भी। चलो आओ, यही सही मौका है, भाग जाओ। नहीं जा सकता, मैं मदद करती हूँ। नहीं, मैं बस यहाँ से भागना नहीं चाहता। क्या तुम नहीं समझोगी, ये सब उन बिल्लियों की वजह से हुआ। क्या कह रहे हो? उन्होंने मुझ पर हमला किया, इसने मेरे पंख ठीक किए और टाइगर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अब समझी, तो ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। देखो, इसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी,
इसका एहसान है मुझ पर। और तुम उसकी मदद करोगे कैसे? मेरा मतलब जरा देखो उसे। दिलेर, मेरी मदद करो। मुझे तो यकीन नहीं होता, उन बिल्लियों ने हमारा और मिट्टू का इस्तेमाल किया और हमने क्या किया? उस इंसान पर हमला किया। रुक जाओ जरा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? इस सब के लिए दिलवाली जिम्मेदार है? शायद ये गलत बात है, हमें लगा था मिट्टू नहीं बचा है ना? ओह, ये ठीक नहीं है दोस्तों। हमने सब काम उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ, सही कहा रोटी। कहाँ जा रही हो रोजी? अपनी गलतियों को सुधारने। मैं भी चली। हाँ, सब साथ ही चलते हैं दोस्तों। मेरी बात सुनो, तुम लोग इस तरह से काम और ज्यादा खराब कर दोगे। जंगली जानवर हमें खाने आ रहे हैं। तुम लोग यहाँ से जाना मत। तुम लोगों के लिए एक खास चीज है मेरे पास। मैं तो बस ये कुछ खाने की चीजें देना चाहता था, बहुत ही मजेदार है। हम तुम्हारे कुत्ते को मार डाले हैं और अब वादा करते हैं कि तुम्हारे सारे साथियों को भी एक दिन वहीं पहुंचा देंगे हम। हाँ, अब इस सुरा तो बहुत ही गंदे से स्वाद का है रे। छी, जरा लाल वाला खाकर देखो, बिल्कुल मुर्गे जैसा लगता है। क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो? ठीक है चलते हैं। ये क्या क्या बात है, ताजा पानी, बहुत अच्छे दिलेर। क्या तुम्हारा पीछा कर रहा है मुझे? ठीक है, चल रहा हूँ। देखो दोस्तों कौन आया है। आराम से, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोग यहाँ से जाना मत, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हो गया इसे, ये भाग क्यों रहा है? नहीं पता, शायद तुम्हारी दुर्गंध की वजह से। जरा ये खाकर देखो, बहुत मजेदार है। तुम भी खाकर देखो, मजे करो। तो दिलेर, वो सुंदर चिड़िया कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दी। सुंदर चिड़िया? चिल्लाने की जरूरत नहीं है मिट्टू, मतलब तोता राम, मैं यहीं पर हूँ। अरे तुम आ गई, ये लो देखो मैं कुछ लाया हूँ। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। ले लो सुंदर चिड़िया। दोस्ती एक दिन में तो नहीं होती है ना, हम धीरे धीरे दोस्त बन जाएंगे, है ना दिलेर? धीरे धीरे। हम नहीं जा सकता माया, लहरें बहुत तेज हैं। तुम फिर खाली हाथ आ गए है ना? अब हमेशा
करोना धोना बंद करो बुड़बक, हमारा वक्त आएगा, हमारी गिनती जल्दी ही बढ़ जाएगी, दंदना के बदला लेंगे हम। हाँ तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तुम बूढ़े हो चुके हो। चलो तुम्हारा इलाज कर देते हैं, इसे लगा लो, सब दिखाई देगा। रोजी मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये आँखों पर क्या लगा लिया है? तुम तो बहुत सुंदर हो। चलो मजाक मत करो। प्लीज मदद करो। सुनो दोस्तों, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आखिर मैं इस टापू पर जिंदा कैसे रह पाऊंगा? ये सही है, समझ गया, मुझे पेड़ पर घर बनाना होगा। वाह वाह वाह, यहाँ तो पत्ते ही पत्ते गिर रहे हैं, खाने में लजीज है। ऐसी कोई चीज है जो तुम ना खाते हो? ए चंगू, ये क्या कर रहा है? पता नहीं दोस्त, ये इंसान पूरी तरह से पागल हो गया है, ये पेड़ को बर्बाद कर रहा है। और कटाई करनी होगी, मुझे घर बनाना होगा हर हाल में। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। समझ से बाहर था कि टप्पू आखिर क्या कर रहा था। कटाई, खाना। हाँ, जैसा कि चंगू ने बताया, वो पूरी तरह पागल हो चुका था। अंदर का चल रहा है माया, क्या हम थोड़ा सा झांक कर देख सकता हूँ? तनिक इंतजार करो ना, हम सफाई कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम इतना तो बता दो कि हमारा बच्चा कितना बड़ा है। इतना बड़ा है बुड़बक कि हम इसका पेट ही नहीं भर सकेंगे। ओ, कितना प्यारा और छोटा है। बहुत अच्छे, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जाओ कहीं और जाकर खाओ। इस तेजी से मैं कभी नहीं बना पाऊंगा, कहना मैंने, जाओ। रहने दो, यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। उसकी ये काटा पीटी और ठोकने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। अब ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? इसमें रोजी की कोई गलती नहीं थी, खुजली हो रही है तो खुजाना तो पड़ेगा ही। पर बेचारा टप्पू, उसे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो बहुत परेशान हो चुका था। और तब जाकर मुझे बात समझ में आई। घोंसला, सुनो दोस्तों, पता चल गया वो क्या बना रहा है। कबाड़ बना रहा है? नहीं, वो एक आराम घर बना रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो एक घोंसला बना रहा है। घोंसला मतलब वो परिंदा ही है चाचा जान। वो एक इंसानी घोंसला बना रहा है पेड़ पर। बहुत होशियार है, मैं पेड़ पर कभी नहीं सोई। अगर वो इसमें खाना भर दे तो तुम पेड़ पर सो जाओगी। सही कहा। तो दोस्तों, एक तरकीब है, क्यों ना हम उसकी मदद करें उसके घोंसले को बनाने में। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने सोच लिया कि मैं ये अकेले बना लूंगा।
हम बस इतना जानते थे कि हम उसकी मदद करने वाले हैं। सो जो जिस काबिल था वो उसके साथ इस काम को पूरा करने के लिए तैयार था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हीरे 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 हीरे, बस हो गया, थोड़ा सा और। हाय रोटी, इतना सारा खाना लेकर तुम कहाँ जा रही हो? अरब से ऐसी मदद नहीं चाहिए। अरब से गुदगुदी हो रही है। रोटी रुक जाओ, मुझे भूख लगी है। चीजें इतनी आसान भी नहीं होती। हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर ये भी सच है कि हर कोई दिल से साथ था। टप्पू खुश, हाँ बहुत खुश था। उसने एक छोटा सा प्यारा सा दरवाजा रोटी और चंगू के लिए बनाया था जो उन्हें पसंद आया। पर कुछ बदलाव के बाद टप्पू के साथ कुछ मजेदार खेल खेलते हुए हम अच्छे साथी बन चुके थे। उसे बहुत खेल पता थे, जैसे कि जमीन में बीजों को छिपाना, टप्पू के खाने का तरीका बहुत अजीब था, वो फलों को छीलता था और धीरे धीरे खाता था। समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर उसकी कुछ कमियों और अजीब बातों के बावजूद टप्पू हम सब में सबसे ज्यादा अनोखा था। बस हो गया, हो गया, आराम से। बस अभी अभी अपने नए घर का काम पूरा हुआ है। वाह, नया घर। वहीं पर रुक जाओ, सबसे पहले इस जगह की सलामती के लिए ऊपर वाले का नाम लेना है। हे ईश्वर, हम तेरा कोई बात नहीं, नया घर सबको मुबारक हो। वाह, जरा देखो तुम इसे। ये कितना सुंदर है। नया घर मुबारक हो। समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का शोर मचा रहा है। जब चचा जानी को भूख लगती है ना तो वो ऐसे ही चिल्लाते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझसे पूछो तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस जश्न में हमें नहीं बुलाया गया। अरे चुप, जले पे नमक काहे छिड़कते हो, भूख से मर रहे हैं हम। आता हूँ। तुम जानत हो ना, ये हालत में हम शिकार नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। तुम हमारे खाने का कुछ बंदोबस्त किया कि नहीं अभी तक? अब का कहे जाने मन, पिछली बार जब कोशिश की थी तब डूबते डूबते बचे। हमें तो शायद कीड़े मकोड़े खा के ही पेट भरना पड़ेगा। सुनने में तो बढ़िया लागत है। अब जाओ बुड़बक, हमारे खाने का इंतजाम करो। ठीक है जाने मन, हम उन्हें ऐसा सजा के पेश करूंगा जैसा तुम्हें पसंद है। घोंसले का काम पूरा होने के बाद टप्पू दूसरे काम में लग गया। हमें अपने खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। हमारे उस घर में पानी भी आता था। कमाल का घर था वो, जन्नत और खूबसूरत हो गई थी। इंसान ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी। रोजी, ये इंसान बहुत होशियार है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें दोस्त। अगर वो नई दुनिया जिसके बारे में दिलेर बात करता इतनी आसान है तो फिर उसका सोचना गलत नहीं है। मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ है ना, सारा दिन बस बैठे रहो। थोड़ा मोटा होने में कोई बुराई नहीं है प्यारी दिलवाली। जब तक टप्पू मछली पकड़ रहा है तब तक हम तुम्हें थोड़ा और मोटा कर देंगे प्यारी दिलवाली। ये क्या चीज है? लगता है तुम्हारा मछली पकड़ने का तरीका इस्तेमाल करके टप्पू दिलवाली को हराना चाहता है।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जिंदगी हम सब के लिए आसान होती गई। कभी कभी टप्पू बहुत उदास हो जाता था, उसे अपनी दुनिया की याद आती थी। उसने टापू की सबसे ऊंची जगह पर एक टावर बनाया था जिसमें हर रात वो तेज रोशनी करता था। एक और दिन बीत गया, कोई भी जहाज नहीं दिखा। लगता है मैं अपने घर वापस कभी नहीं जा पाऊंगा। चलो चलते हैं। समझ नहीं आया ये हर रात यहाँ रोशनी क्यों करता है। ये सोचकर कि अगर कोई और इंसान यहाँ से गुजरा तो इस रोशनी को देखकर इसे यहाँ से ले जाएगा। मैं जानता था कि टापू को छोड़कर जाने की उम्मीदें हर दिन कम होती जा रही थी। कितनी कम ये मुझे नहीं पता था। हमारे टापू पर और इंसान आएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अब मेरे दोस्तों, एक अच्छे इंसान की तरह कुछ देर चुप रहकर इस अच्छे खाने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। जरा तमीज सिखाओ, हमारा दोस्त कुछ देर के लिए सो रहा है शायद। या फिर बदतमीजी मत करो। अच्छा इस मौसम में हम बाहर नहीं हैं। बाहर मौसम बहुत खराब है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ऐसे मौसम में जीने के लिए बने हैं। तुम लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? अरे अरे दिल वाली, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी तुमने गुस्सा देखा कहाँ है? जवाब दो मुझे, क्या हो गया है हमें? जब टप्पू यहाँ से चला जाएगा बताओ मुझे, तब क्या करोगे? सोचा है? दिल वाली मेरी बात सुनो। मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छे से सुन रही हूँ मैं मिट्टू। खाना शुरू करें। कहीं से कुछ मिल जाए खाने के लिए, फिर चाहे जरा सा ही क्यों ना मिल जाए। ये हमरा है, ये हमरा है, हमरा 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 हमरा। क्या है तुमरा? कुछ नहीं। जो तुमरा है वही हमरा है, तो का हमको इना ही दोगे जाने मन? हमरा मतलब नहीं। माया है, दर्द हो रहा है। तुमको लाज भी नहीं आवत? वो देखो जहाज टूटत है। हमारी किस्मत बदल रही है, हो सकता है हम उस टापू पर अब जा सकते हैं। सुनो क्या ख्याल है बाहर चलकर थोड़ा पानी में मजे करें? सोच अच्छी है, मुझे बारिश के बाद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तुम लोग चलो मैं आता हूँ, मुझे दिलवाली को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये जहाज पानी में डूब क्यों नहीं जाता? हमारी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। अपन पुराने टापू पर जाए से पहले थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए। जितना शोर मचा ले परिंदे, तुम्हें बचाने कोई ना आएगा यहाँ। आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे संभल के, वो इंसान आ गया। मैं आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिलवाली बाई ओर। अरे पतली गली से निकल लो रे सब लोग। सभी लोग तैयार हो जाओ हमले के लिए इन जंगियों पर। उई मा, मार दिया रे। अगर ये जन्नत है तो तुम यहाँ कैसे? अच्छा।
वो हमारे टापू की तरफ जा रहे हैं। वो चारों तरफ फैल चुके हैं, सब मेरी गलती है। जल्दी सबको होशियार करना होगा। घोंसले में चलो, जल्दी जल्दी। जंगली जानवर। क्या कहा उसने? जंगली जानवर। ओ नहीं, तुम लोग डरो मत, मैं बंदूक लेकर आता हूँ। आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बस थोड़ी सी बारूद और फिर कुछ गोलियां। हो गया दिलेर, हम बिल्कुल तैयार हैं। आओ, चारों तरफ है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। चाबी कहीं है, दूर रहो मुझसे। मुझे यहाँ से नीचे उतारो। मुझे उसके बाद समझ तो नहीं आ रही, लेकिन शायद वो मदद के लिए पुकार रहा है। टप्पू को हमारी मदद चाहिए। जल्दी भागो रोटी। तुम लोगों ने क्या किया? अब तुम लोग यहीं रुको। ओ, फिर से नहीं, दूर हटो मुझसे। पकड़े रहना टप्पू। क्या बात है मेरे दोस्त? मैं तो बच गया। भागते रहो, इनकी ऐसी तैसी मैं अभी करने वाला हूँ। तुम कूद सकती हो, आ जाओ। ओ, नहीं, चिकन आती हूँ। बढ़िया, चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। सब पकड़ के दिखा लल्लू। भूख लगी है तो ये खाओ, केला भी खा ले बच्चे। चल भैया अलविदा। चचा जान, दरवाजा देखो। आ जाओ।
क्या हाल है? बहुत शुक्रिया चाचा जान। इधर आ जाओ रोटी, बाल्टी में घुस जाओ बाल्टी में, हम तो चले परदेश। इसे कहते हैं कमाल। ये लल्लू हमें क्या पकड़ेंगे? छुटकारा मिल गया उनसे, है ना? रोटी। खोलने में मदद करो। काश की चोट ना लगी हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सिवाय टप्पू के। आ जाओ दोस्तों, एक साथ, बहुत भारी है। हाथ लगाओ रोजी, हमें पूरी ताकत से इसे उठाना होगा। सच में? ठीक है ठीक है। एक दो तीन। कहीं ऐसा तो नहीं है टपक गया? हमें टप्पू की जरूरत है, ये ठीक तो है ना दिलवाली? जिंदा है पर हमारे किसी काम का नहीं है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें किसी करिश्मे की जरूरत है। मैं समझ गया, ये बंदूक। जरा ध्यान से दोस्तों, थोड़ा शोर होगा। तुम्हें लगता है ये तरकीब काम करेगी? कोशिश कर सकते हैं, उसके अलावा चारा क्या है। ये उससे ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। वो इंसान यहाँ नहीं है, ये सही मौका है। जल्दी करो, इन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकते। वो हमेशा इसमें पहले पीछे कुछ खींचता था। ठीक है, तैयार हो जाओ। अजीब बात है, इसके अंदर क्या हो रहा है? सुनो मिथू, तुम्हें लगता है इस चीज का इससे कोई लेना देना है? कौन सी चीज? शायद टप्पू आकर हमें बचा ले। हमें अपनी जान खुद बचानी होगी, यही सच है। हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं छुपना होगा। और टप्पू का क्या होगा? चंगू ने ठीक कहा, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। दोस्तों दोस्तों, मुझे पता नहीं क्या होगा पर मेरे पास एक तरीका है। जो भी करना है जल्दी से करो, हमारे पास वक्त नहीं है। कोई बात नहीं बचपन, घबराओ मत, ये बखत उनकी किस्मत अच्छी रही। हम इन पर नजर रखेंगे और अपन बदला लेके रहेंगे। अब दिखा दो उनको कि हम भी शेर की मौसी है। ओ
तुम्हारा पंख टूट गयल का? घबराओ नहीं, हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने को। वहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब कहाँ गई बहादुरी? लागत है किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ गई। जो करना है जल्दी करो बदमाश हो। दबोच लो, उड़ नहीं सकते है वो। अब तुम्हारी देखभाल बढ़िया तरीके से होगी। जहाँ रहो खुश रहो, हमारा आशीर्वाद है। हमने उसे घेर लिया है तो चलो ओकर खात्मा कर दे हमेशा हमेशा के लिए। पकड़ सको तो पकड़ लो जंगलियों। इशारे का इंतजार करना है। मिल गया इशारा, अपना पूरा जोर लगा दो रोजी। ये क्या हो रहा है? उनकी चाल रही, तुम यहीं पर रुको, हम उनको जाकर संभालते हैं। हमसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। तुम्हारी ये चाल तो धांसू थी मेरे दोस्त। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था दोस्तों। आग लग गई टप्पू। उसे तो बहुत चोट लगी होगी। हमने टप्पू को बचा लिया, बेहोश था पर जिंदा। और फिर अचानक हमारे ऊपर तुम्हारे जहाज ने पानी की बौछार कर दी। ओ, वो कैप्टन तो बहुत खराब आदमी था। होगा भी क्यों नहीं, ये लोग आखिरकार समुद्री लुटेरे हैं। समुद्री लुटेरे? हाँ, और क्या, उन जंगली बिल्लियों जैसे खतरनाक, उनसे भी ज्यादा। बहुत सारी पागल बिल्लियां थी मेरे ऊपर। मेरा बचपना बहुत मुश्किल था। मैंने एक हाथ में बंदूक उठाई और दूसरे हाथ में तलवार ली और बिल्लियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दहला देने वाला मंजर था कैप्टन। वाह, ऐसी झूठी कहानी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। झूठी नहीं है कैप्टन। ऐसा तुम कह रहे हो, चलो मान लेते हैं। अब जहाज चलने का वक्त हो गया, तुम और तुम्हारा दोस्त वहाँ नीचे रह सकते हो। ओ कैप्टन, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इंग्लैंड वापस जाने के लिए कितना बेचैन हूँ। इंग्लैंड? हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। अगर वहाँ चले गए तो हमें फांसियों पे लटका देंगे। क्यों सही कहा ना साथियों? पर सुनिए तो, हमें मुझे अब कम से कम मेरे घर के आसपास तो कहीं छोड़ ही सकते हो। अब तुम हमारे साथ ही हो, एक बार जो लुटेरा बन गया तो बस समझो कि वो बन गया।
क्यों, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? पर कैप्टन, अगर मैं कहूँ तो? बंद करो और जाओ यहाँ से। अब हम जो कह रहे हैं तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा, वरना या तो तुम्हें अपाहिज बना दिया जाएगा या टपका देंगे। इको सपना तो नहीं माया? इको सपना नहीं है बुड़बक, वो जहाज है। सुनो सब लोग, चप्पू चलाना शुरू करो। समंदर के हम है राजा, बजा दे हम सबका बजा। बोलो सब मिल गए, जय हो समंदर का राजा की। ये मेरी बोतल दे मेरा को। अच्छा बोतल पीनी है तेरे को, मैं पिलाता हूँ बोतल। ले पी, ले। ये बहुत ही बदमाश लुटेरा है, अगर मैं और देर रुका तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ मैं कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं। बहुत गलत बात है, इस धोखेबाज को हमने उस टापू से बचाया और ये हमारी नाव चुराने की कोशिश कर रहा है। मार डालते इसको। अगर कोई को चुरा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। नहीं मैं तो बस कैसा शोर मचा रखा है? बिरजू, ये जहाज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ो उसे और ले जाकर बंद कर। चलो आज इसको सबक सिखाते हैं। ये ले बच्चू। नहीं कहाँ भाग रहा है? अरे पागल, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जा रहे हैं? तो बच के नहीं जा सकता बेवकूफ। ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। तुम लोगों से छोटा बच्चा नहीं पकड़ा गया, चलो दिखा दो अपनी ताकत। भेजो फौरन यहाँ आकर मुझे अपनी नाकामी के बारे में बताओ, मैं सब कुछ खुद सुनना चाहता हूँ। हाँ कप्तान अभी आया। और बाकी सब तुम बेवकूफ लोग काम पर लग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम सबको 10-10 कोड़े लगाऊं। अब देख तू कोड़े की मार। कप्तान वो भाग रहा है, उसके पीछे कुछ लोग भेजे क्या? ना जाने दो उसे। ओ कप्तान, उस पर ये तोप चला दे क्या, धम से उड़ जाएगा वो है। क्यों तोप का गोला बर्बाद कर रहे हो? उसे अपनी बाकी की जिंदगी इस टापू पे अकेले बिताने दो ना। और वो भी तब वो जिंदा रह पाएगा जब वहाँ के जंगली जानवर उसे छोड़ देंगे। बिल्कुल कप्तान। तुम्हारे साथ दिन अच्छे गुजरे मिंकू? हाँ, हम दोनों ने मिलकर बहुत भागा दौड़ी की है ना चिंकू। मैं तुम्हें उन जंगलियों के हाथ नहीं लगने दूंगा, दोस्तों को हमेशा साथ रहना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं।
A place where there's a lot of friendship.